नमस्कार, मैं हूं गीता ठाकुर और आप देख रहे हैं नेशन स्पीक्स। मध्य प्रदेश के इंदौर में एक शख्स ने घर के बाहर पोस्टर लगाया है। उसमें उन्होंने लिखा है कि जनहित में जारी, जो लोग राम मंदिर निर्माण से खुश नहीं हैं, वो लोग मेरी छत से आगे कुछ डॉट्स हैं और लिखा है कि कर सकते हैं। इसे लगाने वाले शशिकांत मुकाती ने इसे लेकर कहा है कि भगवान राम का भव्य मंदिर बन रहा है, ये पूरे देश के लिए गर्व का विषय है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, इससे बड़ा कुछ नहीं है। इस मंदिर के लिए 500 साल का संघर्ष हुआ है, इसके बावजूद कई लोग इस बात से खुश नहीं है कि रामलला के इस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। मैंने जो है अपना दुख गुस्से में बयान किया है। मुकाती ने कहा कि उन्होंने 2 दिन पहले ये पोस्टर लगाया। जो लोग राम मंदिर निर्माण से खुश नहीं है वो देशभक्त नहीं है। मैं हर वक्त लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रहा हूं। भगवान राम हमारे आराध्य हैं, हम उनके बिना जीवन की कल्पना नहीं कर सकते हैं। आज जरूरत है कि राम मंदिर के इतिहास को लिखा जाए। जो लोगों को, बच्चों को ये बताने की जरूरत है कि कितना संघर्ष जो है राम मंदिर को बनाने में किया गया था और किस प्रकार का ये संघर्ष रहा। शशिकांत मुकाती ने कहा कि हमने 22 जनवरी यानी रामलला के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए विशेष तैयारी की है। हम यहाँ 1 घंटे का जो है आतिशबाजी का प्रोग्राम करने वाले हैं। इसके बाद 2-3 घंटे की पूजा पाठ होंगे, उसके बाद भजन कीर्तन होंगे। ये सब होने के बाद यहाँ भंडारा किया जाएगा। यहाँ के लोगों में मंदिर निर्माण के लिए खासा उत्साह है। मंदिरों के साथ साथ लोग घरों में दीप जलाएंगे, दीपावली मनाएंगे। इंदौर के लोगों में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर खासा उत्साह है। लेकिन इस बीच उनका ये जो पोस्टर है, यानी जो पोस्टर मुकाती द्वारा लगाया गया है, उसकी काफी ज्यादा चर्चा सोशल मीडिया पर भी शुरू हो गई है कि ये पोस्टर जो है अपने आप में आसपास से गुजरने वाले लोगों को हैरान कर रहा है। उनका ये विचार है, यानी मुकाती का ये विचार है कि जो लोग राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर खुश नहीं है या फिर होने वाली प्राण प्रतिष्ठा के विरोध में है, वो देशभक्त नहीं है। इस बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसके साथ साथ नेशन स्पीक्स के फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार, मैं हूं गीता ठाकुर और आप देख रहे हैं नेशन स्पीक्स। मध्य प्रदेश के इंदौर में एक शख्स ने घर के बाहर पोस्टर लगाया है। उसमें उन्होंने लिखा है कि जनहित में जारी, जो लोग राम मंदिर निर्माण से खुश नहीं हैं, वो लोग मेरी छत से आगे कुछ डॉट्स हैं और लिखा है कि कर सकते हैं। इसे लगाने वाले शशिकांत मुकाती ने इसे लेकर कहा है कि भगवान राम का भव्य मंदिर बन रहा है, ये पूरे देश के लिए गर्व का विषय है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, इससे बड़ा कुछ नहीं है। इस मंदिर के लिए 500 साल का संघर्ष हुआ है, इसके बावजूद कई लोग इस बात से खुश नहीं है कि रामलला के इस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। मैंने जो है अपना दुख गुस्से में बयान किया है। मुकाती ने कहा कि उन्होंने 2 दिन पहले ये पोस्टर लगाया। जो लोग राम मंदिर निर्माण से खुश नहीं है वो देशभक्त नहीं है। मैं हर वक्त लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रहा हूं। भगवान राम हमारे आराध्य हैं, हम उनके बिना जीवन की कल्पना नहीं कर सकते हैं। आज जरूरत है कि राम मंदिर के इतिहास को लिखा जाए। जो लोगों को, बच्चों को ये बताने की जरूरत है कि कितना संघर्ष जो है राम मंदिर को बनाने में किया गया था और किस प्रकार का ये संघर्ष रहा। शशिकांत मुकाती ने कहा कि हमने 22 जनवरी यानी रामलला के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए विशेष तैयारी की है। हम यहाँ 1 घंटे का जो है आतिशबाजी का प्रोग्राम करने वाले हैं। इसके बाद 2-3 घंटे की पूजा पाठ होंगे, उसके बाद भजन कीर्तन होंगे। ये सब होने के बाद यहाँ भंडारा किया जाएगा। यहाँ के लोगों में मंदिर निर्माण के लिए खासा उत्साह है। मंदिरों के साथ साथ लोग घरों में दीप जलाएंगे, दीपावली मनाएंगे। इंदौर के लोगों में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर खासा उत्साह है। लेकिन इस बीच उनका ये जो पोस्टर है, यानी जो पोस्टर मुकाती द्वारा लगाया गया है, उसकी काफी ज्यादा चर्चा सोशल मीडिया पर भी शुरू हो गई है कि ये पोस्टर जो है अपने आप में आसपास से गुजरने वाले लोगों को हैरान कर रहा है। उनका ये विचार है, यानी मुकाती का ये विचार है कि जो लोग राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर खुश नहीं है या फिर होने वाली प्राण प्रतिष्ठा के विरोध में है, वो देशभक्त नहीं है। इस बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसके साथ साथ नेशन स्पीक्स के फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।